एक जगह एक पुराना और बहुत बड़ा कारखाना था। उसमें बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। कारखाने में काम करते करते कितना समय हो गया और लो फिर ठंड आ गई। ठंड में तो ये कारखाना बर्फ की फैक्ट्री लगता है, पर क्या कर सकते हैं, ठंड भी तो बहुत बढ़ गई है। क्यों नहीं कर सकते, हम मालिक को बोलकर फैक्ट्री में हीटर के लिए कह सकते हैं कि यहाँ हीटर लगवा दीजिए, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत ठंड लगती है। हाँ, मुझे भी लगता है कि इस ठंड में तो हमें उनसे ये बात बोलनी ही पड़ेगी। ये तीनों खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मालिक आ जाते हैं और अपने ऑफिस में चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे ये लोग भी उनके ऑफिस में चले जाते हैं। सर, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ, आप लोग अंदर आ सकते हैं। बोलिए, क्या बात है? सर, हम ये बोलना चाह रहे थे कि इस बार की ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना? तो क्या आप हमारी सुविधा के लिए कारखाने में हीटर लगवा सकते हैं? अगर आप हीटर लगवा देंगे सर, तो हमें काम करने में बहुत आसानी होगी। ठंड के मारे कई बार हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है, हीटर रहेगा तो हमें थोड़ा आराम रहेगा। बस इतनी सी बात है, तुम लोग मुझे पहले ये बात बता देते, मैं पहले ही कुछ इंतजाम कर देता। खैर छोड़ो, मैंने ये कारखाना जिससे लिया था उसका बहुत सारा सामान यहीं रह गया था, उसमें एक हीटर भी था। तुम लोग उसको निकाल कर चालू करके देखो, हो सकता है वो ठीक हो, और नहीं तो मैं नया लाने का इंतजाम करूँगा। ठीक है सर, हम वो निकाल कर चेक कर लेते हैं। वो लोग उस कमरे में जाते हैं जहाँ सारा सामान रखा होता है। वहीं पर उनको एक बड़ा हीटर मिलता है। वो लोग उसे बाहर लाते हैं और चालू करते हैं। ये हीटर तुमको कहाँ से मिला? तुम लोगों ने मालिक से पूछा भी है या यूं ही ले आए? और ये खटारा चलता भी है कि ऐसे ही बस मेहनत करवा रहा है, हैं? हम लोगों को सर ने ही बोला है कि निकाल कर इसको चेक कर लो, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो नया मंगवा देंगे। बस इसीलिए इसकी साफ सफाई कर रहे हैं ताकि इसको चेक कर सकें। हाँ, अगर ये चालू हो जाता है तो कितना अच्छा होगा, जो रात में काम करता है वो आराम से काम कर पाएगा, या जो कारखाने में रुकता है कम से कम उसको गर्मी तो मिलेगी। लाओ उसकी तार इधर, तो मैं उसे बिजली से जोड़ता हूँ। सुरेश उसे बिजली से जोड़ देता है और वो हीटर चालू हो जाता है। वो बहुत ही गर्म ताप देता है जिससे सब खुश हो जाते हैं। ये तो चालू हो गया, चलो अच्छा है, मालिक को नया नहीं लेना पड़ेगा। हाँ सच में अच्छी बात है, आज रात मुझे ही कारखाने में रुकना था, ठंड में परेशानी होती है, इसीलिए सोचा था कि बहुत सारे कपड़े लेकर आऊंगा कि पहन कर सो जाऊंगा, पर जब हीटर चालू हो गया है तो मजा आएगा आज तो। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ मुझे भी तो रुकना है, मैं इस हीटर के जलने से बहुत खुश हूँ। रात होती है, सोहन और विकास सबको विदा कर कारखाने के अंदर आ जाते हैं। तभी उन दोनों को नींद आ जाती है और हीटर में अचानक से हलचल होती है और खटपट की आवाज के साथ ही पूरे कारखाने को जमा देता है और ठंड से सोहन की नींद खुल जाती है। विकास, तुम भी सो गए क्या? देखो ना, अचानक से ठंड लगने लग गई, मेरे तो पैर ही नहीं काम कर रहे हैं, क्या तुमने हीटर बंद कर दिया था? मैं तो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा हूँ। रुको, मैं उठकर देखता हूँ कि हीटर बंद हो गया है क्या। अरे हीटर तो बंद नहीं हुआ, लेकिन ये अजीब सा क्यों दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हंस रहा है। तुम जाग गए सोहन, मैं हंस ही रहा हूँ क्योंकि अब तुम भी थोड़ी देर में इस विकास की तरह ठंड में ठिठुर कर मर जाओगे। क्या मतलब है? हैं? और कोई हीटर बात कैसे कर सकता है? देखो मुझे डराना बंद करो। मैं डरा नहीं रहा, मैं सही बात बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है,
पहले वाला मालिक मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गया था? क्योंकि मैं दिखने में तो एक हीटर हूँ, लेकिन लोगों को ठंड में जमा कर उनकी गर्मी छीन लेता हूँ और उन्हें मार देता हूँ। अब विकास के बाद तुम्हारी बारी है। और वो हीटर उसे जमा देता है। सुबह होने पर सभी कारखाने में आते हैं। सोहन, विकास, तुम लोगों को ये क्या हो गया है? तुम एकदम बर्फ की सिल्ली कैसे बन गए? कुछ बोलो मेरे दोस्तों, सब इधर आओ, देखो ये क्या हुआ है। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब बात है, कोई इस तरह से जम कैसे सकता है? जरूर ये किसी की चाल होगी। कोई बात नहीं, हम पुलिस को खबर कर देते हैं। कारखाने का मालिक और पुलिस आकर दोनों की जमी हुई लाश को ले जाते हैं और वो कुछ पता नहीं कर पाते, और कोई भी अब रात में कारखाने में नहीं रुकता है। पर कुछ लोग ये तय करते हैं कि वो लोग रुक कर पता करेंगे। कारखाने में रात को 5-6 लोग रुकते हैं। ठंड लगने लगती है तो वो लोग भी हीटर को चालू करने की सोचते हैं। रात में जब अंधेरा गहरा होता है तब हीटर फिर से उन लोगों को जमाना चालू करता है और उनकी गर्मी चूसने लगता है। ये आवाज कैसी आई थी? कौन सी आवाज? खटखट की क्या? शायद हीटर में कुछ गड़बड़ हो गई हो। हीटर चालू है पर लग रहा है जैसे मेरे पैर जम गए हैं। ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी अपने पैरों को हिला तक नहीं पा रहा और बहुत ही ठंड लग रही है, मेरे पैर जम गए हैं। सब एक साथ नजर घुमाकर हीटर को देखते हैं, तभी उन्हें भूतिया हंसी सुनाई देती है। तुम लोगों को सिर्फ लग रहा है पर मैं तो वाकई में हंस रहा हूँ, और अब तक तो मैं रमन को मार भी चुका हूँ। तुम सब एक बार रमन को तो देखो, वो पूरी तरह कैसे जम गया है, और अब तुम सब की एक एक कर बारी है। क्या मतलब कि हम सब की बारी है? क्या तुम एक हीटर नहीं हो? तुम कौन हो और हम सबको क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम कोई बुरी आत्मा हो जो हम सबको मारना चाहती है? तुम लोगों ने सही पहचाना, मैं एक भूतिया हीटर हूँ जो तुम्हारी गर्मी लेकर खुद को ताकत देता हूँ और लोगों को उनकी गर्मी छीन कर जमा देता हूँ। रमन, 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 तुम ठीक हो ना? लगता है कि रमन सच में मारा गया, ये पूरी तरह से जम गया है। अभी मैं हीटर को सबक सिखाता हूँ, मैं इसको बिजली से ही दूर कर देता हूँ, तब देखता हूँ ये किस तरह काम करता है। और वो हीटर को बिजली से दूर कर देता है, हीटर बंद हो जाता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हें निकाला भी नहीं है, मुझे मत मारो, मेरे बाल बच्चे है। अब जो भी हो तुम भी जमोगे। सुरेश और रोहन छुप जाते हैं जब वो पवन को जमा रहा होता है। ओहो, थोड़ी देर शांति बनाए रखो, मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है। क्यों ना हम इसे पानी डालकर ठंडा कर दें ताकि ये भी खराब हो जाए। तुम लोग कहाँ छुप गए हो? आओ आओ, मुझे अपनी गर्मी दो। ये कैसा रहा ठंडे पानी का असर? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे ट्यूब खराब हो जाएंगे, मुझ में जंग लग जाएगी। ऐसा मत करो। इसका मतलब सुरेश सही बोल रहा था, तुम्हें इसी तरह से खत्म किया जा सकता है। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं अब किसी को नहीं मारूंगा, पर मुझे ऐसे ही रहने दो। क्या कह रहे हो कि तुम किसी के साथ ऐसा नहीं करोगे? हमें पता है अगर हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम हमारे साथ भी यही करोगे, इसीलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। भूतिया हीटर से करकर की आवाज आने लगती है और वो शांत हो जाता है। ये शांत हो गया? क्या ये खत्म हो चुका है? कहीं फिर से चालू तो नहीं हो जाएगा ना? अब हम लोग इस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, चलो इसे उस मशीन में दबा कर तोड़ देते हैं। और वो लोग क्रैश मशीन को चालू कर हीटर को तोड़ देते हैं। उसके बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है और सब खुशी से उस कारखाने में काम करने लग जाते हैं।